रॉकेट को अपनी लैब में ले जाता है, जहां पर वो एक ग्लास के चेंबर के अंदर एक टर्टल को रखता है। और अगले पल जब वो मशीन को स्टार्ट करता है तो टर्टल बहुत बड़ा बन जाता है, पर बड़ा होने के बाद वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। और यही हाई एवोल्यूशनरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जितने भी एनिमल्स को बदलता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। रॉकेट उस मशीन को देखकर बताता है कि इसमें एक गड़बड़ है, जब भी तुम किसी भी एनिमल को किसी भी क्रिएचर को बदलते हो तो उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है, जिस वजह से वो सब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम उस केमिकल को कंट्रोल कर ले तो हम सभी जानवरों को शांत बना सकते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के कहने पर मशीन में कुछ चेंजेस करता है, एक बार फिर से एक मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, और जब मंकी बदलता है तो पूरी तरह से शांत होता है, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया, जो बहुत वक्त से करना चाहता था अब वो चीज हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट में अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाया। साथ ही वो जेलस भी होता है कि उसी ने रॉकेट को बनाया और उसका दिमाग उससे भी तेज है। वो अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते रॉकेट को मार देना, मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ। इसके बाद मैं एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहां पर सभी उसी तरह के क्रिएचर्स रहेंगे जो पूरी तरह से परफेक्ट होंगे, जिनका दिमाग बहुत तेज होगा। रॉकेट को उसके साथियों के साथ सेल में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट सबको बताता है कि कल सुबह होते हम सबको मार दिया जाएगा। हाई एवोल्यूशनरी ने कहा था कि उसके एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो गए हैं, इसलिए उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। रॉकेट, जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो वहीं पर बड़ी बेकार चीजों से की बना लेता है, जिसके बाद वो लॉक खोल देता है। वो अपने साथी को भी बाहर ले जाता है, पर तभी वहां पर हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है, जो रॉकेट के साथी को मार देता है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहां से बाहर निकल जाओगे, इसीलिए मैं खुद यहां पर आया हूं, और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। रॉकेट अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वो हाई एवोल्यूशनरी के ऊपर हमला करके वहां से एक स्पेसशिप से निकल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोड वो फाइल है जिससे रॉकेट को ठीक किया जा सकता है। ये सब उस फाइल को लेकर अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं, और जब उस फाइल को खोलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि पास्ट में रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ था। इस तरह से हाई एवोल्यूशनरी ने उसे टॉर्चर किया। सबके सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत अत्याचार किए थे, और अब जो कोड इन्हें रॉकेट को ठीक करने के लिए चाहिए वो कोड इस फाइल में नहीं होते, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोगों ने चंद ही पल पहले उन कोड्स को डिलीट कर दिया था। और अब अगर इन्हें कोड चाहिए तो इन्हें काउंटर अर्थ पर जाना होगा, जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है। और गमोरा इस फेवर में नहीं होती, वो कहती है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेजती है ताकि वो उसे यहां पर लेने के लिए आ सके। पर उसके साथी तक अब एडम और उसकी मॉम पहुंच गए होते हैं, जिन्हें अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लोकेशन का पता चल जाता है। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सबके सब काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि तुम सबने यहां पर आकर गलती की, अब मैं तुम सबको मार दूंगा और रॉकेट को हासिल कर लूंगा। मुझे लगता है कि तुम यहां पर कोर्स लेने के लिए आए हो, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मुझे पता है कि रॉकेट तुम्हारे स्पेसशिप में है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूं। वो यहां से निकल जाता और अपने आदमी को आदेश देता है कि इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देना। पर पीटर क्विल और क्रूड दोनों के दोनों इनके सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, और उस आदमी की आंख से दिमाग से कोड्स को निकाल लेते हैं जिसे रॉकेट के कोड्स पता है। ये हाई एवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट तक पहुंच जाते हैं और कोड्स के जरिए उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। ये नेबुला अपने साथियों के साथ उस स्पेसशिप में चली गई होती है जिसमें हाई एवोल्यूशनरी है। दरअसल उसे लग रहा था कि पीटर क्विल और ग्रूट दोनों के दोनों वहां पर फंसे हुए, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए थे। और जब वो पीटर क्विल से कॉन्टैक्ट करती है तो पीटर क्विल उसे बताता है कि हम उस स्पेसशिप में नहीं है। नेबुला अपने साथियों के साथ वहां से निकलना चाहती है, पर तभी उनके सामने हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और नेबुला और उसके साथियों को कैद कर देता है। नेबुला और उसके साथी देखते हैं कि यहां पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मासूम बच्चे हैं जिनके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ये सब के सब रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, इसीलिए हाई एवोल्यूशनरी इन सब के दिमाग को रॉकेट के दिमाग की तरह तेज बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे रॉकेट के दिमाग की जरूरत है। और अब नेबुला और उसके साथी तय करते हैं कि वो यहां से अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि इन सब बच्चों को यहां से बचा कर ले जाएंगे। वहीं पीटर क्विल, ग्रूट और उसके जितने भी साथी होते हैं, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम, उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है जहां पर हाई एवोल्यूशनरी है, जहां पर नेबुला और उसके दोनों साथियों को कैद किया गया है। यहां पहुंचने के बाद हाई एवोल्यूशनरी के एडवांस और ताकतवर क्रिएचर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम जो कई लड़ाइयां लड़ चुकी है वो उनका सामना करती है और एक एक करके वो उन सभी का खात्मा कर देती है, जिसके बाद इनके सामने होता है हाई एवोल्यूशनरी। ये हाई एवोल्यूशनरी के पास जाकर उसके मास्क को उतार देते हैं। दरअसल वो मास्क इसीलिए पहनता है क्योंकि जब रॉकेट उस पर हमला करके उसे भागा था तो उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था, इस वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रखना पड़ता था। और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम रॉकेट से कहती है कि तुम हाई एवोल्यूशनरी को मार दो। रॉकेट उसे देखता है और कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं इसे नहीं मारूंगा। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहां पर जितने भी बच्चे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उन सबको आजाद कर देते हैं। पीटर क्विल का एक डॉग होता है जिसके अंदर पावर्स हैं और वो अपनी पावर से नोवेयर प्लेनेट को स्पेसशिप से जोड़ देता है, जिसके बाद सबके सब उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। लेकिन अब उस डॉग की जो पावर होती है, ताकत होती है, वो टूट जाती है, जिस वजह से स्पेसशिप और प्लेनेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पीटर क्विल अब भी स्पेसशिप में होता है जो नोवेयर प्लेनेट पर जाने के लिए, जो कि उसका हेडक्वार्टर भी है, एक जंप मारता है, लेकिन वो स्पेस में ही फंस जाता है। उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब उसकी मृत्यु हो रही है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, यहां पर एडम आ जाता है, जिसने रॉकेट को मारने की उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जो कि हाई एवोल्यूशनरी के लिए काम किया करता था। वो उसे बचाकर नोवेयर प्लेनेट पर ले आता है। इस तरह से पीटर क्विल की जान बच जाती है। और अब सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तय करते हैं कि यहां पर जितने भी बच्चे जितने भी क्रिएचर्स हैं, इनकी हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, जहां पर हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, रह सकता है, ये वो कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। साथ ही पीटर क्विल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम से कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए अर्थ पर जाना चाहता हूं, जहां पर मेरी मॉम के डैड यानी कि मेरे ग्रैंडफादर है, मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब भी वो जिंदा होंगी। बचपन से ही मैं अपनी फैमिली से अपनी अर्थ से दूर हूं। वो जाने से पहले रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर बना देता है और खुद अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। जब वो अर्थ पर जाता है तो वो अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो उसे पहचानते हैं। वो पीटर क्विल को घर वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। पीटर भी अब उन्हीं के साथ रहना चाहता है।